नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए आर्थिक समीक्षा 2018-19 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो ध्यान पूर्वक अंत तक देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हम इसका टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज्य में मार्च 2019 तक कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है वो है 3074, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिए, राजस्थान में मार्च 2019 तक 3074 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। आगे चलते हैं, राज्य में मार्च 2018 तक कुल सड़कों की लंबाई कितनी है। तो ये कितनी है, ये है 236,572.27 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कंटेस्ट लिया आप ये ध्यान रखिए। फिर आगे चलते हैं, आगे दे रखा है, राजस्थान का सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो कितना है, ये है लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 69.12, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, मार्च 2019 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के कुल कितने बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये कितने किए जा चुके हैं, ये किए जा चुके हैं 13, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिए, मार्च 2019 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट दे रखा है, वर्ष 2018 में राज्य में कितने पर्यटक राजस्थान भ्रमण के लिए आए थे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है 519.90 लाख, ठीक है, इतने पर्यटक आए थे 2018 में। स्वदेशी की बात करें तो 502.36 लाख आए थे, और विदेशी पर्यटकों की बात करें तो 17.54 लाख पर्यटक राजस्थान में आए थे घूमने के लिए। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए, ये केवल 2018 का डाटा है। अब मार्च 2019 तक का डाटा देख लेते हैं, केवल मार्च 2019 तक, ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मार्च 2019 तक कितने पर्यटक राजस्थान भ्रमण के लिए आए। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है 128.94 लाख पर्यटक, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिए, इसमें जो स्वदेशी थे वो थे 122.69 लाख और विदेशी थे 6.25 लाख, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। फिर आगे चलते हैं, आगे दे रखा है, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के समंकों के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, ये है 76.55 लाख, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिए, जो पुराना कृषि गणना समंक है 2010-11 उसमें कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या थी 68.88 लाख। आप ध्यान रखिए, पुराने से जो अब नया आंकड़ा है इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 11.14% की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं, राज्य में वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितने लाख तक होने की संभावना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 218.29 लाख टन, ठीक है, ये संभावना है। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं फिर, सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों का कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है। हम स्थिर मूल्यों पर बात कर रहे हैं, तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान रहा है ये रहा है 24.42%। ये आप ध्यान रखिए, उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा है 32.81%, जो सेवाएं हैं सर्विसेज उसका योगदान है 42.77%। तीनों के तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी स्थिर मूल्य पर है। आगे देखते हैं, सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है। तो उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है प्रचलित मूल्यों पर वो है 30.19%, कृषि क्षेत्र का है 24.82% और 44.99% है सेवाओं का योगदान। तो ये आप ध्यान रखिए, प्रचलित मूल्यों पर भी आपको पता होना चाहिए और स्थिर मूल्यों पर भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, मार्च 2019 तक
ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर कितने मेगावाट हो गई है? तो ये कितने मेगावाट हो गई है, ये हो गई है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा 21,077.64। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मार्च 2019 तक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 2018 जो वर्ष था उसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितने मेगावाट की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1524.87। तो ये आप ध्यान रखिए इतने मेगावाट की वृद्धि हुई थी 2018 में। आगे दे रखा है स्कीम वार परिव्यव्य 2018-19 में सबसे अधिक परिव्यव्य किस क्षेत्र में किया गया, तो ये किया गया सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं में, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद में ऊर्जा पर सबसे अधिक परिव्यव्य किया गया, थर्ड नंबर पर ग्रामीण विकास और फोर्थ नंबर पर कृषि व समृद्ध सेवाएं, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, देखिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जो आर्थिक समीक्षा 2018-19 है उसकी, राजस्थान की, तो वो आप डाउनलोड करके सारी की सारी रीड कर सकते हैं जो भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को विजिट करें, काफ़ी कम दिन बचे हैं, आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और जो मैंने करंट अफेयर की वीडियो बनाए हैं अभी तक कम वीडियो हैं, 30 से 40 वीडियो हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं आप कहीं पर नोट डाउन कर लें, और एग्जाम जब आपका हो केवल मॉर्निंग में एक बार पढ़ के जरूर जाना, निश्चित ही आपको हमारे वीडियो से काफ़ी अधिक हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।